चैनल मदरहुड मिशन आया तो मैं आई हूँ आप सबको बताने कि आप अपने बोरिंग क्वारंटाइन डेज को किस तरीके से कह सकते हो जाजा बाय बाय, क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि बाहर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बाहर होते तो ये करते वो करते, तो ये सब सोचना भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे ऑप्शंस जिन्हें करके आप अपने इन क्वारंटाइन डेज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचा सकते हो। तो इन सारे ऑप्शंस को एक एक दिन पकड़िए और करते रहिए, आपके सारे के सारे काम मैं आशा करती हूँ निकल जाएंगे, और ये दिन भी कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पता है ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे शेयर कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का वेदर देखिए क्या लाजवाब वेदर है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सही है। कोरोना के लिए क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ना जाने ये कोरोना और कहाँ कहाँ स्प्रेड हो जाए, इस बात का भी एक डर है डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हो रही है। और ऊपर देखिए, दिख रहा है हमको कितनी अच्छे से ये जो पक्षी है मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं इस वेदर का, एकमात्र हम ही उठा नहीं पा रहे हैं। सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस वेदर में बहुत अच्छे से घूमने का वेदर है, एकदम यूटिलाइज करने वाला वेदर है, लेकिन किस्मत की बात है, सब किस्मत की बात है, तो किस्मत में ही छोड़ना पड़ेगा। कुदरत के सामने इंसान की कोई औकात नहीं है, ये समझ आती है, लेकिन सीरियसली नहीं, इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, लेकिन कुदरत के सामने उसकी हमेशा हार है। कुदरत एक ऐसी चीज़ है जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया, ये प्रूफ हो गया है इस सब। क्या तेज कदम का हवा दे रही है, कैसे आई है एकदम से सिंपल ऑर्डिनरी की तरह। जी हाँ, आपको तो समझ आ गया होगा आज का थीम, और वैसे भी कोड देख के तो समझ ही आ गया होगा ना, वीडियो का जो टैगलाइन है वो तो देख के समझ ही आ गया होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ, इधर आइए किसी के पसीने छूट रहे हैं, आइए 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 बैठिए, ये देखिए। हेलो, गुड इवनिंग। और बाय द वे आप लोग कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब अपने घर पे हो और मजा मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ना। ब्लॉग भी देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, और आज का ये देखिए आप पकड़िए, जिन्होंने कभी ये चीजें नहीं पकड़ी है आज उनके हाथों में ये है। यह जी हाँ, आज देवराज ने लिया है मेकअप चैलेंज, और मैं आपको बता दूं ऐसे तो आप इस चैनल में मुझे एज ए मदर देखते हो, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन अगर बात करें आप, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, वो भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे घर पे दिखाई देगी, लेकिन अभी बच्चे की वजह से वो थोड़ी छुपा के रखी है, तो सोचा कि इस लॉकडाउन में ये चीज़ें ना निकले और हो सकता है क्या, तो सोचा कि चलिए थोड़ा निकालते हैं। फिर सोचा कि हर बार तो हम सजते हैं, लेकिन इस बार किसी और को बोलते हैं थोड़ा सजा के दिखाए। अरे मेकअप आर्टिस्ट के हस्बैंड है वो, आप क्या बात कर रहे हो, देखते हो ना क्या क्या कर आपको तो पता है, काफी कुछ पता है। कुछ पता नहीं, आज पता हो जाएगा आज पता चलेगा कि देवराज को क्या पता है, आज देवराज को भी पता चलेगा कि मेकअप करना कितना मुश्किल काम है। ये सोचते हैं ना कि
कुछ नहीं है, लड़की लोगों को इतना थोप लेती है और तो कोई काम नहीं है। आज पता चलेगा आपको कितना आसान है और कितना मुश्किल। नहीं देव हाँ, तो रेडी हो चैलेंज के लिए? अच्छा तो जीतोगे तो क्या प्राइस तो रखेंगे हम, आप जो बोलोगे उस, ठीक है, और हारोगे तो जो मैं बोलूंगी। और देखिए हार जीत आप लोग डिसाइड करोगे, कमेंट कीजिएगा जरूर कि किसका सही है। सच सच्ची वाला एकदम ऑनेस्ट वाला कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि मेकअप अच्छा हुआ ये फेस लेके, आई मीन सजने के बाद वाला फेस लेके मैं बाहर जा सकती हूँ कि नहीं, आप लोग डिसाइड करोगे। तो चलिए रेडी किया जाए। सो ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रोफेशनल वे में सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा तो डेफिनेटली हम लोग 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करके सीखे हैं, देवराज को उतना ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है सीखने की। तो मैंने बोला कि चलिए आप, यहाँ पे है मेकअप ब्रश, देन ये है आई शेडो पैलेट्स, और मैंने उसको अलग से इसमें आई शेडो का ब्रश भी रख दिया है। फिर ये है हमारे रूज ब्रश, ब्लश करने के लिए जो ब्रश है मैंने ऊपर ही रख के रखा है, थोड़ा सा हेल्प किया है। देखिए थोड़ा सा हेल्प किया है क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता है इसलिए। और ये है आई मिस क्लियर का आईब्रो करेक्टर, ये इससे आईब्रो बनाया जाएगा। और ये है कॉम्पैक्ट क्राइलॉन का, आपको पता ही होगा लास्ट फिनिशिंग का काम है ये। और ये है मस्कारा आँखों के आईलिड्स के लिए जो मस्कारा। और ये है हमारा मेन जो फाउंडेशन, एक्चुअली ये है, ये भी क्राइलॉन का है डर्मा कलर, और इसका भी ब्रश मैंने बाहर रख दिया है कि आप इस ब्रश से इसे लगा के मेरे फेस पे इससे ब्लेंड कर सकते हो। और यहाँ पे आई शेडो ब्रश का बैग है, यहाँ पे पैलेट रखा हुआ है बस। अब चलिए शुरू करते हैं। देवराज स्टार्ट कर दीजिए। गुड लक, नया चैलेंज, गुड लक, गुड लक। देखिए इतने दिन तो हम लोग सस्ते, आज है मेन परीक्षा देवराज की इस लॉकडाउन में। कैमोफ्लेज स्क्रीन, ठीक है ना, क्राइलॉन, क्राइलॉन ठीक है, ये है फाउंडेशन एक्चुअली जी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, देखते इनको कितना आता है, थोड़ा कंफर्ट भी तो देना है यार क्लाइंट को, क्लाइंट आराम से बैठा है। अच्छा आप चाहो तो आप हाथ से भी, आप शायद ब्रश यूज कर नहीं पा रहे हो, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ना, आप चाहे तो हाथ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे एक्चुअली बोला जाता है मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मेकअप में अभी जो रूल्स है, हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जीरो कॉन्टैक्ट, इसलिए ब्रश का इस्तेमाल करना है हर एक काम में, हम ब्रश का यूज करते हैं। जैसे फाउंडेशन बोल लीजिए, आईब्रो बनाना, देन आई पेंसिल, लिप का, हर एक काम में हम लोग सिर्फ ब्रश का ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ताकि जीरो कांटेक्ट हो। और दूसरा चीज़, सिर्फ हेयर्स में ही हाथों का इस्तेमाल होता है, हेयर्स का तो कुछ नहीं कर सकते, हेयर्स का कोई दूसरा टूल्स अब तक निकला नहीं है। अदरवाइज बाकी सारे जो फेस बोलिए, लिप्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ब्रश। वी आर यूजिंग सम टूल्स ओवर ऑन योर फेस सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्टैक्ट। तो काफ़ी हो गए ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि देख लीजिए कि एलर्जी हो गई हो, किसी के हाथ साफ नहीं है, ये सब कंप्लेन ना आए इसलिए अभी ब्रशेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लेंडर ब्लश बोल सकते हो आप, देन स्पंज हो सकता है, उन सब चीज़ों का डायरेक्ट आपका फिंगर्स कांटेक्ट अभी जीरो लेवल पे चला गया एकदम। लेकिन काफ़ी फर्स्ट टाइम का, बहुत दिनों बाद किसी से सर्विस ले रही हूँ मेकअप का, बहुत अच्छा सा लग रहा है। अब पता नहीं मुंह दिखाने लायक रहूँगी कि नहीं आप लोगों से। देखिए आप लोग सोच रहे हैं इस हालत में भी बात कर रही हूँ, मेरी आदत है बात करने की, मैं कर लेती हूँ, चला लेती हूँ। देखते हैं पूरा सजाने के बाद देवराज कैसे सजाते हैं।
बाहर निकल सकूंगी मैं ये मुंह लेके? क्या लगता है? ये वाला मुंह लेके निकल पाऊंगी तो? सब बोलेगा ये कौन है, ये रानी कौन है? बस करो, पूरा खत्म कर दोगे लग रहा है मेरे मुंह पे ही। इतना सारा कला है तो ये मेरे ऊपर है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है मतलब मैचिंग विद द ड्रेस डेफिनेटली ये कलर सूट करेगा ना, देखते हैं। आई शैडो हो गया, अभी आपका है ये आईब्रोज टर्म्स, अभी ठीक है यार, है ना? सही बोलो तो आईब्रोज है ना, आईब्रो एकदम टाइनी ब्रश है, ठीक है ना? सर क्यों खुजला रहे हो? जब भी कलर मैच कर रहे हैं पूरा ढको मत, तेरा कैमरा ही देखते हो ना तो हाथ तो ढीले देख छ। हंस क्यों रहे हो? हाँ तेरी फिल्म में चांस मिल जाएगा। देखा हंस क्यों रहे हो? ये हो गया, ठीक है ना? ये है आपका मस्कारा, ये है आपका हाइपर कर्ल वॉल्वो एक्सप्रेस। ब्रांड का नाम बताओ। ब्रांड कौन सा है, कौन सा ये? मेबेलिन ऐसा कुछ है। मेबेलिन, मेबेलिन है। आईलिड्स, मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं लगाया। बाप रे बाप, तो पूरा ढेके ही देख, चलो के देख भी की तुम्हें की मेकअप कर छो। तो मेकअप देखा मिलता, तुम्हारे हाथ दिए ढाका रहे। ये हो गया। अंधेरे में कैसी लग रही हूँ? मुझे रियली नहीं पता। ये हो गया। व्यूअर्स को पूछिए और क्या? और अभी कौन सा वाला है? ये लास्ट वाला है। कौन से फेयर अप है इसको? सब मुझसे पूछ लो। हाँ। रूस गाल पे ना।
करता है रोज। अब है लिपस्टिक, थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि नीम को पता ही नहीं किसके बाद क्या करना है। लिपस्टिक का बुलेट थोड़ा कम उठा लो, नहीं तो टूट जाएगा। हाँ पूरा मक्का टूट जाएगा, तुम तो तोड़ दोगे। क्या क्या लिपस्टिक ठीक किया? ना, नहीं। ना, मुझे समझ आया तो ठीक करो हाथों को ठीक करो। अरे कैसे होगा, कपड़ा भी नहीं से देख लीजिए। अब मैं भी जरा देखूं, पहले आप देखिए, आपके लिए एक्सक्लूसिव है ये। इन्होंने मुझे आज मेकओवर किया है, मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बैक कैमरा में वीडियो, ये जो वीडियो लोड हो रहा है, शूट हो रहा है, वो हो रहा है बैक कैमरा में, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मेरा समझ थोड़ा थोड़ा आया है कि ब्लश यहाँ से यहाँ उतर आया है और आईज में थोड़ी गड़बड़ ली है, लेकिन अब आप बताओ कैसा है ये मेकअप, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं? क्या मैं ये फेस लेके बाहर जा सकती हूँ? देवराज आपको क्या लगता है, ये फेस लेके बाहर ले जा सकती हूँ? थोड़ा चेंज करना होगा, लिपस्टिक और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, तो चलो अब मैं फ्रंट कैमरा करके देखती हूँ कि मैं दिखने में कैसे लग रही हूँ एग्जैक्टली। आप भी आइए, इधर आइए, आइए आइए आइए। यहाँ से तो ठीक ही लग रहा है, अब थोड़ा सामने जाके देखूं। ओह माय गॉड, ठीक है, लिपस्टिक का प्रॉब्लम है, बाकी तो लिपस्टिक का प्रॉब्लम नहीं है। और ये आईब्रो नया स्टाइल है। हाँ नया स्टाइल है। और रोज यहाँ ब्लश कौन लगाता है यहाँ पे? कोई बात नहीं, नया स्टाइल है। गाल यहाँ लाल होते हैं, यहाँ लाल होते हैं, सब जगह होता है, सब जगह लाल होते हैं। इतना फनी मेकअप, लिपस्टिक भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे भूत का रोल मिला था। फर्स्ट टाइम में कभी मैंने मेकअप बॉक्स भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मतलब पास उठा के किया, मतलब बहुत किया, एटलीस्ट मेकअप बॉक्स नहीं मिला था 70% 100% मिलेगा फर्स्ट टाइम में। बट तुमने फाउंडेशन सही लगाया, फाउंडेशन ठीक है, फाउंडेशन जो लगाया है तुमने, ब्लेंडिंग सही की है, ब्लेंडिंग थोड़ी बहुत गलती है, बट हो जाएगा, चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन आईब्रो तो वैसे मेरे भयंकर हो रखे थे और तुमने इसको और भयानक बना दिया। और आई शेडो ठीक है, तकरीबन ठीक है, काम चलने लायक है, लेकिन थैंक गॉड के ये लॉकडाउन में हुआ। नहीं आई थिंक आप लोग जूम करके देख पा रहे हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो सामने वाला से उतना नहीं समझ आता एग्जैक्टली ये कहा जाता है कि अगर किसी ने मेकअप किया ना तो उसको करीब से देखिए, तो आपको मेरी कैसा लगा आपको बताइए। मुझे तो बहुत भयंकर लगा, बट थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे बेस काफी अच्छा किया है, फाउंडेशन अच्छा किया है और आईज भी काम चल जाएगा, लेकिन आईब्रो और ये जो माशाल्लाह लिपस्टिक बनाई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आप करीब से आके देखोगे ना लिपस्टिक जो है ना एकदम निकल गई इधर से, मुझे थोड़ा थोड़ा वैम्पायर वैम्प फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं किसी का खून करके आई हूँ या फिर खून करने जाऊंगी जब मैं थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ मतलब बंदा कभी मतलब ये बॉक्स क्या नाम है उसको भी मालूम नहीं था, ठीक है ना, मतलब जस्ट टू की चैलेंज, ठीक है देखते हैं क्या होता है।
तो मेरे ख्याल से मैं अगर मुझको पॉइंट दूंगा तो डेफिनेटली 6 out of 10 एज अ फ्रेशर डेफिनेटली, ठीक है ना। और क्योंकि मैं वही बोल रहा था लिंग्विस्टिक और आपका जो ये होता है क्या बोलते हैं आईब्रो इसको छोड़ के बाकी जो किया ठीक तो लेवल है मेरे ख्याल से, ठीक है। आप तो कमेंट कीजिए ठीक है, आप जरा हंसेगा मत ठीक है, आप तो भी घर में कोशिश कीजिएगा, आपका जो सिस्टर है आपका जो मम्मी है आपका जो गर्लफ्रेंड है आपका जो बीवी है जो भी है ठीक है ना, आप ट्राई करो, कुछ 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 नहीं है, गर्लफ्रेंड पे अच्छा कैसे ट्राई इट विल बी अ करेंगे लॉकडाउन फन, में। ठीक है ना, ये कुछ फन कुछ नहीं है। लॉकडाउन में हम लोग मूवी देख रहे हैं कुकिंग कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, ये ऐसे भी एक फन है ठीक है। देख देख लो ना आपका जो टैलेंट है कितना है देखते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, लेकिन काफी हद तक किया है इन्होंने, कोशिश की है, कोई बात नहीं। ठीक बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए कि कितना अच्छा किया और कितना किया, कमेंट कीजिए। और मैं अभी थोड़ी देर बाद देखूंगी कि माही का क्या रिएक्शन है मुझे देखने के बाद। मैं ये मेकअप नहीं उतारने वाली हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं देखने वाली हूँ बाकी घर के लोगों का भी क्या रिएक्शन है, वो कैसे देखते हैं मुझको, क्या रिएक्शन है। देवराज तुम उठाओगे सबका, शॉर्ट करने वाले हो तुम, वीडियो शूट करने वाले हो, सारे के सारे करने वाले हो कि नहीं करने वाले वो। और मुझे सीरियसली बहुत हंसी आ रही है, सीरियसली। आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है, तुम सेटिस्फाइड हो इस मेकअप से? हाँ, एज अ फ्रेशर ने फर्स्ट टाइम हाँ फ्रेशर है, एज अ डिफरेंट फ्रेशर। हाँ, कभी मेकअप नहीं किया इन्होंने, फर्स्ट टाइम किया। मेकअप क्या मतलब बॉक्स ही नहीं दिखा हुआ, मतलब इतना सारा होता है लिपस्टिक मालूम जस्ट है मैंने इनको नेल दस पॉलिश मालूम है ठीक है ना, और बाकी बाकी दिखता हूँ मतलब मैंने जस्ट मेकअप इनको कुछ है। 10 मिनट में समझाया कि मेकअप क्या है, मेकअप मतलब किसके बाद क्या लगाते हैं। 10 मिनट में मैंने इनको समझाया और उनके बाद इन्होंने अप्लाई किया, बस इतना ही। और एनीवेज चलिए देखते हैं माही वगैरह और घर के बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है मेरा फेस देखकर। सब डरते हैं या पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया है, और जब उनको पता चलेगा कि ये किसने किया है तो डेफिनेटली धमाल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिएक्शन है बाकी। ओके बाबू कैमन लगजे, बोलो बोलो कैमन लगजे, अभी आने मांगिए रुको, बोलो कैमन लगजे मेकअप का। आंटी बोल रही है अच्छा हुआ है मेकअप, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। देवराज शादी से बाबा हेवी शादी है सी हेवी। এটা মানে মেকআপ চ্যালেঞ্জ হচ্ছিল, দেবরাজ মেকআপ করবে, দেখবো ও কত ভালো মেকআপ পারে। দারুণ করেছে, আইব্রো আইব্রো আপনার এর রয়েছে ঠিক আছে, সাজিয়েছে খুব সুন্দর। काकीमा की तरफ से तो मिल गया है, लगता है फिर देवराज को ही प्राइस मिलने वाला है। हाँ देवराज के प्राइस जीती है देवे तुम्हें दोनों ने। ए बाबू बोल कब लग जाए, मम्मा को कैसा लग रहा है बोलो इधर। वो माँ ही अपना खेलने से नहीं है ना 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 चूड़ तक चुप आलम नहीं चुप मैंने चूड़ से 12 बजे तो। ए देखो बाबू इधर बोल कब लग जाए, बोल 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 माँ ही अपना खेलने बैठते हैं। सेटर वाली खूब भालू शादी है बोल, सीख जाए ठीक है। आंटी बोल रही है कि फर्स्ट टाइम सजाया है तो लगता है देवराज जी जीत जाएगा प्राइस। तो फर्स्ट टाइम जब सजाया इतना अच्छा सजाया है तो अच्छा सजाया है, नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा सीख जाएंगे। तो मैं बोली हाँ नेक्स्ट टाइम से मेरे मेकअप ब्रश देवराज के बैग में चले जाएंगे। चलो यूटिलाइज तो हुआ नहीं। माही तुमको कैसा लगा, ये अपने मस्ती में है, बताओ बोलो 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 कैसा लगा। तो फाइनली माही देख के तो इतना कोई खास रिएक्शन दी नहीं, उसको अलग समझ लिया है, अदरवाइज वो हंसती है, बहुत हंसती है। इन जनरल माही को काफ़ी अच्छा लगता है जब मम्मा मेकअप करती है, हंसती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बट मेकअप तो कर लिया है, सब कुछ सही हो गया है, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आप लोगों के ऊपर ही भरोसा करके हूँ, क्योंकि ये हार जीत का सवाल है और फनी सा वीडियो है। डेफिनेटली आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा और देखिए कितना मज़ा आएगा, आपको भी हंसी आएगी डेफिनेटली। हम लोग तो बहुत हंस रहे हैं, हम लोग बहुत ही मज़ा कर रहे हैं एक्चुअली। ये जस्ट फॉर फन है कि इन क्वारंटाइन डेज में हम बहुत ज़्यादा बोर ना हो, बस इसी के लिए है। तो मैं आपको जो बोलूँगी कि मेकअप तो कर लिया है, लेकिन अब काम क्या है इसको रिमूव करने का। तो मेकअप बिल्कुल भी फेस वॉश करके मत रिमूव कीजिए, इसे क्लिंजिंग के लिए क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आयुर का क्लिंजिंग मिल्क, सामने से देख लीजिए। ये है आयुर का हर्बल डीप पोर क्लिंजिंग मिल्क, जिनको बहुत ज़्यादा पोर्स होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसमें ही दिस इज़ एनरिच्ड विथ
एलोवेरा रोज एंड क्यूक्यूम्बर बहुत ही अच्छा है, जेंटल है, माइल्ड है, एकदम माइल्ड है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया है। जब भी मेकअप करती हूँ तो मैं रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है मुझे आई थिंक लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे अलग से कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एलोवेरा जेल है उसे लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा रब कीजिए, उसमें पानी मिलाइए या रोज़ वाटर मिलाइए, देन अपने फेस पर जेंटल हाथों से उसे मसाज कीजिए, देन इट्स ओके। थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, अंदर भर देती हूँ। और क्या, इससे क्या होता है आपका जो स्किन होता है ना वो हार्श नहीं होता। काफी वक्त एक प्रॉब्लम होती है ना कि हम लोग मेकअप जो लोग बहुत करते हैं तो उनका स्किन काफी हार्श हो जाता है, तो ये वो काम से बचा देता है आपको कि आपकी स्किन में ना हार्श नहीं होती, एकदम खराब नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है, सॉफ्ट रहती है। तो मेकअप करना डेफिनेटली इतना ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो मेकअप का डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद आपको डेफिनेटली एक रिमूवर यूज़ करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपको बेबी ऑयल यानी जॉनसन ऑयल इस तरह के ऑयल भी अगर आपको सूट करते हैं आपके फेस पे तो आप फेस उससे भी इस्तेमाल करके रिमूव कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट है क्लिंजिंग मिल्क, सबसे बेस्ट, इससे कोई ज़्यादा अलग ये नहीं होता है। और इस तरीके की कॉटन रख लीजिएगा, ये देखिए उठाने में बहुत इजी हो जाता है। ये कहाँ कहाँ लगाई है देखिए देवरन ने मुझको, बहुत इजीली उतर आता है ये। पूरा का पूरा फाउंडेशन आ रहा है। आप तो मेकअप करके आ गए देवराज, आप तो मेकअप करके चले गए, लेकिन यहाँ मेरा मेकअप उतारना रह गया। तो इस तरीके से आप भी इसे उतार सकते हो। और अगर आपको ये चाहिए होगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन डेफिनेटली ये बात सबको पता है, अभी कोई भी Amazon, Flipkart वगैरह, Nykaa वगैरह कोई भी चालू नहीं है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आई थिंक आपको नहीं मिलेंगे। और जो भी मिलेंगे एसेंशियल है वो भी मेरे ख्याल से सारे जगह पे नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जब लॉकडाउन उठ जाएगा, परिस्थिति एकदम नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन, तब प्लीज़ आप लोग सोचिएगा इसे मंगाने का। अभी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिलहाल मेरा पूरा मैंने निकाल दिया अच्छे से। सो आप देख सकते हो पूरा का पूरा फाउंडेशन वगैरह सब निकल गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड यस स्टे होम स्टे सेफ।